हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। गाइस, तो आज हम लोग मिले हैं एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। गाइस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। हेलो आशी, प्रकाश। यस आशी, एओडी भी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। एसएम सरी डील करेंगे, डोंट वरी, वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें जो लोग आज हमारे साथ अगर नए जुड़े हैं, उन लोगों ने ई करियर पॉइंट ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो लोग तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडिया भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ई करियर पॉइंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो गाइस हम लोग जो पढ़ चुके हैं फंक्शन आईटीएफ, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन जो है वो एसएम सर कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एओडी वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे सर। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी मैं कवर कर रहा हूँ, फिर आगे के चैप्टर्स जो भी होगा वो कन्वे कर दिया जाएगा आपको कौन क्या कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कोशिश की जा रही है कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर यस वंश, आपको ऐप में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी करियर पॉइंट के कोर्सेज हैं वो सारे, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, 11th 12th, टारगेट 6 क्लास, मतलब 9 10, जो भी है सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है वहाँ से आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और भी सारी चीज़ें फ्री स्टफ में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे चल रही है वो सारा अपना जो है वो फ्री स्टफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आशीष जो भी होगा वो कन्वे कर दिया जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस जो भी होगा वो कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे मैं और एसएम सर मिलके करवाएं, चाहे मैं अकेला करवाऊं, चाहे किसी भी तरह से करवाएं, है ना, वो चीज़ें करवाया करवा दिया जाएगा। ठीक है, यस विशाल, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा, दैट इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो 2x का इंटीग्रल क्या होगा अपना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से अपन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे मान लो ऐसा लिखा है इंटीग्रल fx dx, इसका इंटीग्रल सपोज मान लो कि जी एक्स है, यहाँ पे प्लस सी लगा रहा हूँ, प्लस सी क्यों लगा रहे हैं वो उसका रीजन भी अभी समझ में आएगा। ये लिखा है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। जैसे अपन बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है 2x। तो 2x का अगर आपको इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो अपन उसे क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। प्लस सी कॉन्स्टेंट आएगा, उसका रीजन अभी समझ में आएगा। उसी तरह से अपन ने यहाँ लिखा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या है, जी एक्स। जी एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसे अपन क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड एस भी बोलते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड एस, दिस इज इलोंगेटेड एस। इलोंगेटेड एस मतलब एस को पकड़ के खींच दो, है ना, ऊपर और नीचे खींच दो, तो ऐसा बन गया एलोंगेटेड एस, है ना, स्ट्रेच्ड एस, ऐसा बोल सकते हो। इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। ठीक, और ये अपना हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल किसका, एफ एक्स का, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। या फिर इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं कि एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव, है ना, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी बोलते हैं। ये नाम जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कई बार क्वेश्चन में, है ना, ऐसे सिंबल ना देके वो क्या बोलेगा कि ये एफ एक्स है, ये एक फंक्शन है, इसका क्या बताओ, एंटी डेरिवेटिव बताओ। या फिर वो बोलेगा कि ये फंक्शन है एफ एक्स, इसका क्या बताओ, प्रीमिटिव बताओ। ठीक है, तो प्रीमिटिव भी इसको बोलते हैं, प्रीमिटिव इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालना या फिर प्रीमिटिव निकालना या एंटी डेरिवेटिव निकालना, तीनों एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया, अपन इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर जस्ट द बेसिक थिंग्स, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपन सी की, सी की बात कर लेते हैं। तो सी की बात करने के लिए यहाँ पे देखो,
कि जैसे मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस वन को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आया 2x। अगर मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स के रेस्पेक्ट में, तब भी कितना आया 2x। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तब भी 2x आएगा। इस तरह से मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी कोई कॉन्स्टेंट बोल दूँ तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 2x होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा देखो कि ये सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिल रहा है, सेम एक फंक्शन मिल रहा है 2x। अगर मैं अब उल्टा बोलता हूँ कि 2x का इन सब का अगर मैं इंटीग्रल करूँ तो इसका इंटीग्रल कोई फिक्स तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, प्लस थ्री भी हो सकता है, प्लस सी, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, कुछ भी हो सकता है ना, तो इनडेफिनेट है, कोई फिक्स नहीं है ना। तो इस कॉन्स्टेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये इंटीग्रल क्या हो रहा है, इनडेफिनेट हो रहा है ना। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, 2x dx जो है इसका इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में टेक एनी वैल्यू है ना। तो इस तरह से अपन ने इसको लिखा प्लस सी। तो किसी फंक्शन का इंटीग्रल जो है आपको एक फंक्शन नहीं देता, आपको ढेर सारे फंक्शंस देता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी। सी की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल है वो बेसिकली अलग अलग कर्व्स देगा है ना, अलग अलग कर्व। जैसे अपन ने मान लो सी जीरो रखा तो क्या मिला अपने को, एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू वन रखोगे तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू। इस टाइप से ढेर सारे कर्व्स मिले है ना। ये सारे कर्व्स की खास बात क्या है कि इसमें ये एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। ये सारे कर्व्स को अपन एक साथ बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है यहाँ पे, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है अपन क्या बोलेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक, तो इजी है, कुछ खास बात ऐसा नहीं है ना, इजी है, बहुत ही क्विकली अपन बता सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और कि जब अपन इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो वो अपने पास यूनिक नहीं आ रहा है ना। यूनिक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सी के लिए, सी के अलग अलग वैल्यू के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शन हो सकता है। तो अपन एक और पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक है ना, यूनिक नहीं है। एंटी डेरिवेटिव एक फंक्शन का यूनिक नहीं है ना, अलग अलग आ सकते हैं। समझ में आ ही रहा है सी की वजह से। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं हमारे पास। यस धर्मेंद्र, हम अपन पूरा एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आशी क्या बोल रहे हो, फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग यूनिक स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए गिवन पॉइंट। हाँ यस, चलो तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो का इंटीग्रल क्या हुआ, कांस्टेंट, इजी है। एक्स का डेरिवेटिव, एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव वन, वन का इंटीग्रल क्या हुआ, एक्स प्लस सी। इसी तरह से के का बोल सकते हो, के बाहर ले लिया, इंटीग्रल वन डी एक्स तो क्या हो गया, के एक्स प्लस सी है ना, इजी है। या फिर ये बोले अपन, ये थोड़ा सा बकवास सा पार्ट है ना स्टार्टिंग वाला। यहाँ पर देखो कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उल्टा देखो कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन प्लस वन आगे आएगा, एक्स की पावर एन बचेगा और ये एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर एन आ जाएगा है ना। मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा है ना, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और एन कैसा है, आर माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस वन होगा एन का वैल्यू तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई एक्स। वन बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, एल एन एक्स है ना, एल एन एक्स हो गया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हो कि इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन, अगर यहाँ पे जैसे एक्स की जगह लीनियर फंक्शन लिखा हो ना, तब भी आप बहुत क्विकली कर सकते हो। जैसे लिखा है 2x प्लस थ्री, यहाँ पर अगर एक्स की जगह एक लीनियर फंक्शन अगर अपन लिख दें तब भी अपन इसको बहुत क्विकली डील कर सकते हैं इन अ सेम वे जैसे ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखोगे, एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, टू
2x+3। मैं लीनियर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई और फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, है ना। लीनियर फंक्शन, x की जगह लीनियर ऑफ x लिखा हुआ है, तो मतलब ax+b जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तब अपन इसको लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही, ln x लिखोगे, लेकिन यहाँ पर जो x का कोफिशियंट है उससे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया अपने पास अपॉन 2। अब ये चीज़ मतलब ध्यान रखना है आपको, है ना, इसको वेरीफाई करना है तो आप ऐसे कर लो कि, है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, कितना होगा ln x का डेरिवेटिव 1/2x+3, फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2x+3 आ गया, है ना। तो इस तरह से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जल्दी से, अगर मान लो e की पावर x की जगह कोई और लिखा हो, जैसे 2x+3 लिखा है ना, चलो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2x+3, तो इसका जब इंटीग्रल लिखने जाओगे तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पर भी वही होगा, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, और कॉन्स्टेंट में उससे डिवाइड कर दोगे जो x का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दो +c, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आगे आएगा, उससे कैंसिल होगा, मतलब ये आ रहा है। तो इस तरह से आप क्विकली कर सकते हो, है ना, ये चीज़ करना आना चाहिए। अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह भी लेंगे, उसके अंदर लीनियर फंक्शन लेके करेंगे, वो भी देखेंगे। और देखो, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन ln है, ए की पावर एक्स अपॉन ln है। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, उल्टा करके देख लो, माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स ही आएगा ना, कॉस एक्स का साइन एक्स। फटाफट से एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे अपन जल्दी से। टेन एक्स, ये अपन आगे चल के देखेंगे भी सही, फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप याद रखो, अपन आगे चल के सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखेंगे तब इसको प्रूव भी कर लेंगे। इंटीग्रल टेन एक्स जो हो गया ln sec x, ये जहाँ पे लॉग लिखा है वो एक्चुअली ln है सारे, है ना, ln sec x, ln sin x, माइनस ln cos x। इसको ऐसा कैसे देखोगे, इसको लिख लिया 1/cos x, cos x की पावर -1, -1 आगे आया तो -ln cos x, ठीक है। cot x का ln sin x याद होना चाहिए, sec x का इंटीग्रल ln sec x +tan x, ज़्यादातर लोग ये तो याद रख लेते हैं लेकिन ये याद नहीं रखते, है ना। तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, ये चीज़ आपको मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ा सा कम आती है काम, लेकिन फिर भी मल्टीपल करेक्ट में तीनों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये चीज़ कैसे आ रही है, sec x +tan x और sec x -tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो sec x +tan x को आप क्या लिख दोगे, 1/sec x -tan x, तो ये क्या बन गया, sec x -tan x की पावर -1, तो माइनस आगे आएगा और अंदर में ये माइनस साइन रहेगा, ठीक। इसको ये कैसे लाया, इसको सॉल्व करके लाएंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दोगे, इसको लिखना 1/cos, इसको लिखना sin/cos, सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ आती है, ठीक। कॉसेक एक्स का जो मेनली याद रखा जाता है वो पहले ये रखा जाता है, ln कॉसेक एक्स -cot x, है ना। बाकी और सेकेंडरी भी आपको याद करने कर सकते हो, ये वाला है और ये वाला है। इसी तरह से sec x tan x का इंटीग्रल sec x, है ना, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो गया, sec x, है ना। तो यहाँ पर ये जिसको जो भी याद नहीं है ना, वही साइमल्टेनियसली याद करते चलो, या जैसे भी लिख रहे हो आप, जो भी कर रहे हो, है ना, वैसे करते हुए चलो इसको। अच्छा, नेक्स्ट आता है कुछ और फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं अपन, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रल से कुछ। कॉसेक एक्स कॉट एक्स, जैसे कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया, टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, है ना। यस कौन है ये स्टूडेंट, ODIN जो भी है, यस हम लोग पूरा एडवांस लेवल तक का ही पढ़ते हैं ना। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स +c, है ना, याद हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, देख लो जिसको जो याद नहीं है, पहला स्लाइड ये था, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर पहला स्लाइड ये रहा, सेकेंड स्लाइड ये रहा, है ना, जल्दी से नज़र मार लो एक बार, और तीसरा स्लाइड ये रहा, ठीक, एक एक बार रीड किए हैं वैसे, कुछ लोगों को तो याद होंगे भी सही पहले भी। चलो यहाँ पर अपन देखते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से आंसर बता दो इनका। यस कपिल, हम लोग फंक्शन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस विशाल, कोशिश की जाएगी। चलो, अलॉटेड IIT B केमिकल इंजीनियरिंग KK, वाह वाह क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस IIT बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया।
हाँ, तो इन तीनों का आंसर बता दो भाई जल्दी से, है ना, इन तीनों का आंसर बता दो, बहुत जल्दी बता सकते हो तो आप आंसर, बहुत जल्दी जल्दी से। e की पावर एल एन रूट एक्स, e की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर, और एल एन 1 बाय e की पावर एक्स, है ना, टी एक्स। बहुत जल्दी आप बता सकते हो इसका आंसर, तीनों बहुत जल्दी आ जाना चाहिए अब तक। अवधेश आएंगे, वो भी आएंगे, डोंट वरी। चलो फिलहाल इसका आंसर दें इंटीग्रल का। यस कपिल, करवा चुके हैं हम लोग, फंक्शन चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है ना, सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। यस कपिल, इंटीग्रेशन पूरा ही पढ़ेंगे अपन। चलो ई की पावर एल एन रूट एक्स, आंसर अभी तक नहीं आया, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला तो बहुत इजी है, पहला वाला तो बहुत इजी है भाई, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है ना, ई की पावर एल एन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा एक्स लिख सकते हैं, है ना, ये वाला बेस और ये वाला बेस ये दोनों सेम है, तो ये एज इट इज इधर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख दोगे, दिस इज रूट एक्स डी एक्स, हो गया भाई, है ना, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 3, ये लो भाई, हो गया, कुछ है ही नहीं। अगला वाला बता दो भाई जल्दी से, ई की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस एल एन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बहुत क्विकली इसका आंसर निकाला जा सकता है, ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो आप क्या करो, पहले माइनस साइन को ऊपर पहुंचा दो, दिस इज ई की पावर एल एन, है ना, एक्स स्क्वायर की पावर -1 डी एक्स, फिर से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वही है भाई, e की पावर एल एन एक्स, वापस एक्स ही है ना, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर की पावर -1, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एक्स की पावर -2 डी एक्स, उसका इंटीग्रल क्या हो गया हमारे पास, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 3, हो गया भाई, एकदम ईजी है। नहीं अजैन, एक्स क्यूब बाई 3 नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ है आपका, देखो है ना, एक्स की पावर -2 है, एक्स स्क्वायर नहीं है ये। यस अगला वाला, दो हो गए तो मेरे हिसाब से अगला तो हो ही जाएगा एकदम। एल एन 1 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जल्दी जल्दी। दिस इज एल एन, इसको क्या लिखो, 1 बाई e की पावर x को e की पावर -x, हो गया, लो भाई, -x कहाँ आ गया, आ गया आ गया, तो ये क्या बन गया, -x डी एक्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास, -x² बाई 2 प्लस c, हो गया भाई, है ना, ऐसे ही निपट गया है तो क्वेश्चन। अगला देखो, और क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले निकाल दो जल्दी से, तीनों का आंसर निकाल दो।
की पावर एल एन टू प्लस एल एन एक्स टू की पावर एल एन एक्स, और ये कुछ है अजीब सा। यस जयंत का कुछ आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका आंसर है? आई थिंक अगले वाले का आप आंसर बता रहे होंगे, देखते हैं आंसर कितना आता है। टू की पावर एल एन एक्स। हेलो आवाज आ तो रहा है? हेलो नहीं आवाज सही आ रही है, अभी आवाज सही आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है आवाज में ये बताओ, आवाज सही आ रही है मेरे हिसाब से, चेक किया अभी आवाज सही आ रही है। टू की पावर एल एन एक्स डी एक्स। चलो इसको करने के लिए पहले तो मैंने बताया कि ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? इसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये चीज़ आपके पास नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे आप देखो कि तो फिर डील कैसे किया जाए। आप एक काम करो कि एक्स को और टू को इंटरचेंज कर लो, एक्स को टू को इंटरचेंज कर लो, है ना। तो ये कितना हो गया, एक्स की पावर एल एन टू डी एक्स। अरे एक्स की पावर एल एन टू डी एक्स, ये तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ये तो कुछ बचा ही नहीं अब तो। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का नहीं है जैसे एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो, तो एक्स क्यूब हो तो अपन क्या लिख देते हैं, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स की पावर एल एन टू प्लस वन अपॉन एल एन टू प्लस वन प्लस सी। ख़त्म हो गया भाई, है ना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हाँ दोबारा बता देता हूँ मैं, कुछ लोगों को साउंड का दिक्कत आ रहा था उस समय। देखो कुछ नहीं किया, इन दोनों को अपन ने क्या किया, इंटरचेंज किया। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से अपन इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स की पावर एल एन टू, एक्स की पावर कॉन्स्टेंट है ना, एक्स की पावर एन है, तो उसका इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है,
और ये वाला जो है, ये वाला कई लोग क्या है कि इस तरह से सोचते हैं कि 2 की पावर ln x को 1 की पावर x के जैसे बिहेव करा देते हैं, 1 की पावर x अपॉन ln x, है ना। लेकिन यहाँ पर x, ये ln x है, लीनियर फंक्शन नहीं है, क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पता चलेगा ये चीज़ नहीं आएगी, आप ऐसे भी फील ले सकते हो, है ना। हाँ भाई, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर दिस अपॉन x³ dx, इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा सोचने वाला है ना, केयरफुली सॉल्व करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखो इसको, ये लिखा है बेसिकली एक्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये लिखा है 1/x² होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किसका, x² + 1/x² का, ठीक है। तो ये a² + b² + 2 × ab लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, a + b होल स्क्वायर, x² + 1/x² होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यही बन रहा है ना। अब तो हो गया भाई ख़त्म, upon x³ dx हो गया। लो भाई ये तो रूट से बाहर आ गया, है ना, रूट से बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, x² + 1/x² नीचे कितना है, x³ dx, तो ये कितना बन गया भाई, 1/x, दिस इज 1/x प्लस 1/x की पावर 5 dx, है ना, ऐसा बन गया, हो गया है। तो सॉल्व, 1/x का इंटीग्रल क्या हुआ, ln x, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, बेसिकली x² - 5 का इंटीग्रल क्या होगा, x² - 5 + 1 मतलब -4 upon -4 + c। लो भाई हो गया सॉल्व, तो इसमें था क्या, कुछ नहीं, है ना, बस खाली ये चीज़ अगर सिंप्लीफाई कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम हलवा है ना, हलवा सा क्वेश्चन है। यस हेलो मानव कार्तिकेय, हाँ तो हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, के आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरा होगा, एक मिनट तब तक आगे कर देते हैं इसको, हाँ बाकी लोग ये सॉल्व करें। के जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरा होगा, तो अगर आपने जैसे और भी चॉइसेस भरी होंगी ऊपर में, है ना, तो अगर आपको और चॉइसेस हैं वो अगर आपको चाहिए, है ना, जो आपने उससे ऊपर भरा है, केमिकल से ऊपर जो भरा है, तो अगर उसके मिलने के चांसेस हैं, मतलब फ्लोट करना चाहिए बेसिकली, है ना, क्योंकि आपको जो और अच्छी चॉइसेस हैं वो हो सकता है आपको मिल जाए, है ना। चलो ये हो गया इंटीग्रल x/a + bx dx, ये हो गया इंटीग्रल 1/3 - 2x dx, और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप फ्रीज कर सकते हो। फ्लोट करने में ऐसा कोई तो है नहीं कि आपको जो है नीचे वाला चॉइस मिल जाएगा, जो आपको मिला है वो मिलेगा वापस से, या फिर उससे और अपर वाला जो आपने उससे ऊपर भरा होगा वो मिलेगा, ठीक है, तो उसमें कोई लॉस तो है नहीं। हाँ भाई, इंटीग्रल x/a + bx dx, और ये तो इजी है, ये तो अपन ने बता ही दिया ना, पहले बता ही दिए ये वाला, तो ये दूसरा वाला तो ईजी है एकदम, पहला वाला भी ईजी है, कुछ लोगों ने हो सकता है पूरा पढ़ रखा हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा इजी लग रहा हो। यस मानव, आंसर देखते हैं इसका, सेकंड वाला मैं सोच रहा हूँ पहले बता दूँ, है ना, सेकंड वाला। चलो कई लोग लेकिन पहला वाला कर रहे होंगे, तो चलो पहला वाला ही देखेंगे फिर सेकंड वाला देखेंगे। हाँ भाई, पहले वाले का आंसर इंटीग्रल x/a + bx,
के आपका रैंक कितना आया था? ये देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है अपने को, लीनियर फंक्शन है, नीचे भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल बाय लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्या करो, ऊपर भी सेम फंक्शन बना लो जैसा नीचे लिखा है, फिर सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऊपर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना। तो ये बना बी एक्स और ये बना बी, ए प्लस बी एक्स। फिर क्या करेंगे, ए ऐड कर देंगे और ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लो भाई, हो गया आपका तो क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं। स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो 1/b, ये बना हमारे पास इंटीग्रल दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी dx। तो ये क्या बना, 1 dx माइनस, फिर क्या बना, a अपॉन a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स डी एक्स। ये लो भाई, हो गया सॉल्व अब तो। नहीं, नहीं मिलेगा भाई, 4 लाख रैंक पे नहीं मिलेगा। तो ये बन गया 1/b, दिस इज एक्स माइनस ये बना ए। इसका इंटीग्रल क्या होगा, एल एन ए प्लस बी एक्स, लेकिन किससे डिवाइड कर देंगे अपन, एक्स के कोफिशियंट से, बी से डिवाइड कर दोगे, प्लस सी, है ना। हो गया सॉल्व। ये है अगला इंटीग्रल, 1/3 − 2x dx। अगला वाला तो वही क्या होगा, देखते ही बता दोगे ना, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, एल एन जो लिखा है लीनियर फंक्शन है एक्स का एज इट इज आ गया, और एक्स के कोफिशियंट से अपन डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज −2 + c। हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, ये बता दो जल्दी से दोनों का आंसर। क्या बोल रहे हो जयंत सर, रिसलेशन कर सकते हैं? क्या बता रहे हो जयंत, क्या बोल रहे हो आप? नेक्स्ट 70 डेज में ड्रॉप करके कुछ फ़ायदा होगा क्या? यस, कर सकते हो भाई, ड्रॉप आप ले सकते हो भाई। नेक्स्ट 70 डेज का मतलब आप ये बोल रहे हो कि 70 डेज के बाद जेई होने वाला है, आपको क्या पता 70 डेज के बाद ही जेई होने वाला है ना, क्या पता, अभी तो जेई का कुछ आया ही नहीं, कब होगा जेई, क्या होगा। तो तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, और 70 डेज भी बहुत होते हैं, आपने जैसे पढ़ा हुआ है तो रिवाइज अच्छे से किया जा सकता है, पूरी चीज़ों को एक एक बार ढंग से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। बाकी चांस तो एटलीस्ट, अगर मान लो इस साल भी वही 2 चांस रहते हैं, तो फिर आपके पास सेकेंड चांस के लिए भी तो टाइम है ना, काफ़ी है ना। हाँ भाई, इस दोनों का आंसर आया क्या, इंटीग्रल दिस, इंटीग्रल दिस। इंटीग्रल एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x + 1, भाई बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो, है ना, एकदम बेसिक से अपन एडवांस तक पढ़ेंगे। मोहम्मद, वो जो है ओरिजिन पे टेंजेंट का इक्वेशन निकलता है बेसिकली, वो चीज़ एओडी में बताया जाएगा आपको। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, बहुत इजी है, देख अगर ध्यान से देखो आप तो, नीचे क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा है, x लिखा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर भी x + 1 फॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे +1 और -1 कर लेते हैं अपन, ठीक है। यस मोहम्मद, पढ़ाया है, दिस इज पेड वाले कोर्स में हो चुका है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास +1 − 1 किया अपॉन x + 1 होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना हमारे पास 1/x + 1 dx − 1/x + 1 होल स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल कितना हो गया, ln x+1। इसका इंटीग्रल क्या हो गया, यहाँ पर ये x बेसिकली लीनियर फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ही लिखा हुआ है जनरल फॉर्म में, x+1 है ना, x+1 की पावर −2, ये भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे x की पावर −2 बिहेव करता है। तो x की पावर −2 का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर −2 + 1/−2 + 1, ठीक। और x के कोशिश से डिवाइड करेंगे तो 1 ही है, प्लस सी। हो गया भाई,
ये लो हो गया सॉल्व, है ना, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला वाला बता दो जल्दी से। सर आपका कॉलेज कौन सा था, देख लेना FB पे देख लेना। चलो हाँ भाई, राकेश का कुछ आंसर आ रहा है, 2e की पावर x/ln 2e, आई थिंक सही लग रहा है, देखते हैं आंसर। कुछ लोग इसमें है ना प्रोडक्ट रूल भी लगाने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी आगे चल के अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपन ने अभी बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा, तो अपन अभी वो यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो और बाय पार्ट्स से ज़्यादा इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। सर आप कैसे मैथमेटिक्स प्रिपेयर करते थे, जैसे प्रिपेयर करवा रहा हूँ ना वैसे करते जाओ, है ना, मैं भी वैसे ही करता था प्रिपेयर। चलो तो ये हो गया हमारे पास, एक काम करो इसको ऐसा लिखा, ऐसा लिखा ना, a की पावर x * b की पावर x, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा नहीं लिख सकते क्या, a * b की पावर x, ध्यान से देखा जाए तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो दिस इज 2e की पावर x dx। अरे ये तो a की पावर x फॉर्मेट हो गया, a की पावर x फॉर्मेट क्या होता है, a की पावर x/ln a, तो यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर x/ln a, a क्या है भाई, 2e है प्लस c हो गया, लो भाई। हाँ सही था आपका, ये लो हो गया। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चंस, ये लो फटाफट से बता दो इनके आंसर्स। मनोज का बोलना है, सर JEE 2021 जनवरी अटेम्प्ट डिले होगा क्या, व्हाट यू थिंक, मतलब होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, मतलब लॉजिकली होना तो चाहिए, क्योंकि JEE एडवांस ही अभी ख़त्म हुआ है, मतलब अभी सारी चीज़ें कुछ ही समय पहले निपटी है ना, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को पता है कि कब होगा, है ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो NTA बता देगा, जब भी होना होगा जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो बट स्टिल मतलब थोड़ी सी फीलिंग्स तो रहती हैं कि हाँ भाई अभी थोड़ा लेट हुआ, अभी पहले साल का, तो दूसरे साल का थोड़ा सा रिलेटिवली डिले करना चाहिए, है ना। तो जो भी होगा वो तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वहाँ से। हाँ भाई तब तक यहाँ पे आप आंसर बताएं इन दोनों का, इंटीग्रल x+1³/x dx, है ना। कौन सा थ्योरी चाहिए रॉकी, आपको पूरा थ्योरी तो मिल तो रहा है। इंटीग्रल x+1³/x dx, इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर किया जा सकता है। x+1³ है ना, a+b का होल क्यूब है, आप एक काम करो इसको ओपन कर लो, है ना, ओपन कर लो, वरना ऐसे सॉल्व नहीं होने का। ये क्या करो, a+b का होल क्यूब लगा दो, a³ + b³ + ये आपका क्या बन गया, 3ab a+b, 3 * a * b, और ये क्या बन गया, a+b डिवाइड बाय x dx, हो गया भाई। ये क्या बन गया, दिस इज, देखा जाए ध्यान से तो x² + 1/x + दिस इज 3 times of x, x चला गया, 3 times of x + 1 dx, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बना, x³/3 + 1/x का इंटीग्रल ln x + 3, यहाँ पर इसका इंटीग्रल आप करोगे तो ये बन गया x² / 2 + x, और ये क्या बना, +c, हो गया भाई सॉल्व, हो गया। अपना अपना आंसर चेक कर लो भाई, किसका सही है किसका गलत है। हाँ भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 5x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर बता दो जल्दी से। सर क्या ओनली यूट्यूब इज सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग जेई के आगे क्या लिखा है, ई करिए जो भी लिखा है, तो अगर आप सारी चीज़ें पढ़ लेते हो यूट्यूब से और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सारा स्टडी मटेरियल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। थैंक्स मनोज। चलो यहाँ पे देखते हैं आप लोग, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो इसको, तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब इसको e की पावर 2x प्लस 1 अगर आप लिख दो ना, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। मतलब e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x, इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन e की पावर x, LCM लिया तो ये बना e की पावर 2x प्लस 1, तो ये बना e की पावर 2x प्लस 1, और नीचे e की पावर x था, वो e की पावर x ऊपर चला गया, ये लो भाई। फिर अब जैसे ही जिसने स्टेप ये लिख लिया होगा उसके बाद तो समझ आ गया होगा क्या करना है। यहाँ से अगर e की पावर 3x कॉमन लोगे तो ये कितना बन गया हमारे पास, e की पावर 2x प्लस 1, और नीचे क्या लिखा है, e की पावर 2x प्लस 1, और यहाँ लिखा है e की पावर x dx, सॉरी ये चीज़ इधर आएगा, इंटीग्रल के अंदर ही रहेगा भाई, बाहर नहीं निकाल सकते, केवल कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये बना हमारे पास e की पावर 3x e की पावर x dx, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e की पावर 4x dx। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज e की पावर 4x बाय 4 प्लस c, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, है ना, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हेलो अमन, और इसको कैसे सॉल्व किया सकता है, मेथड टू इसको देखो। अगर आप स्टार्टिंग में ही e की पावर 4x कॉमन ले लेते हो तो देखो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x, फिर से अपन ने इसको बाहर निकाल दिया, हाँ, और नीचे क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, लो भाई हो गया सॉल्व, e की पावर 4x dx सीधा बन गया ना, आ गया e की पावर 4x बाई 4 प्लस c, है ना, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो एक आधी क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है जल्दी से, इंटीग्रल साइन स्क्वेयर एक्स साइन क्यूब एक्स, और यस जैन बहुत अच्छे, साइन स्क्वेयर एक्स साइन क्यूब एक्स इंटीग्रल कॉस 3x कॉस 5x dx, जल्दी से इनको सॉल्व कर लो। चलो एक काम करता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन को अपन जो है इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना, तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं। ये तीनों आप सॉल्व करना, साइन स्क्वायर साइन क्यूब कॉस 3x कॉस 5, एक और मैं बता देता हूँ साइन की पावर 4, उसको भी आप ट्राई करना, है ना, तो ये तीनों जो हैं आप लोग ट्राई करना, बहुत जल्दी कर सकते हो भाई, अपन है ना कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है अपने को, मतलब पूरा बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें कवर करते हुए चलनी है, कोई भी चीज़ अपने को छोड़ना नहीं है। तो कई लोगों ने जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको तो बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में ईजी लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उन लोगों के लिए तो एकदम सब नया नया लग रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस, फिर हम वन बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो ज़रूर होमवर्क ये करना तीनों क्वेश्चंस, है ना, और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, जहाँ पे भी जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।